देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे सोमनाथ, कितने सुंदर लग रहे हैं भाई, इतने प्यारे प्यारे मेरे प्यारे जी भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिवरात्रि के सेकंड और लास्ट व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमः शिवाय। शाम हो गई है, मैं दिन में थोड़ा सो गई थी, अब मैं उठ के अपने बेटे को खाना देकर शक्करकंद पानी में गलाए थे। ये इस बार बहुत बड़े बड़े मिले हैं शक्करकंद, या हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इसको शकला बोलते हैं। तो इनको उबाल के इसका मैं हलवा बनाऊंगी, तो देखना आप कैसा हलवा बनता है। शाम को दिया लगा के ये दो दिए रख रही हूँ मैं नीचे, एक तुलसी में और एक बाहर। शाम की पूजा के लिए मैंने जो बाहर तुलसी है उसमें दीपक जला दिया है। अब ये दीपक घर में जल गए और ये जो दो दीपक हैं नीचे दरवाजे पर और तुलसी में रखे जाएंगे। तो जा रही हूँ नीचे की तुलसी और दरवाजे पे दिए जलाने। देखिए रख दिया है घर के दरवाजे पे, ये उनके दरवाजे पे रखा है, ये इनके दरवाजे पे, ये इनके दरवाजे पे और वो उनके दरवाजे पे। और भाभी नमस्ते। देखिए शक्ला या फिर कहना चाहिए शकरकंद उबल गया है, अब मैं इसका हलवा बना रही हूँ। मंदिर में आरती होने लगी थी तो मैं दिए बनाकर मंदिर चली गई। जा रही हूँ आरती करने। महाआरती होनी थी, सबको दिए बनाकर लाना था, तो मैंने फिर फलाहार नहीं बनाया और जल्दी से दिए बनाकर 8:10 पर मंदिर चली गई। और मंदिर में आरती शुरू हो गई थी, मंदिर में जाकर ही मैंने दिए जलाए। ये सब मुझे देखकर हंस रहे थे, जैसे कि एक आम यूट्यूबर को देखकर सभी हंसते हैं, क्योंकि हम हमेशा मोबाइल हाथ में लिए रहते हैं। सभी लोग आरती कर रहे थे, कुछ लोग अभी भी बाकी थे, बाद में आए थे, तो देवी जी की भी आरती हो रही थी। मैं सबका वीडियो भी बना रही थी और आरती भी कर रही थी। बहुत कठिन होता है दोस्तों एक साथ दो काम करना, और लोग ऐसे समझते हैं जैसे पता नहीं कितने लाखों रुपए कमा रहे हैं। सभी कहने लगे अरे बड़े यूट्यूबर बन गई हो, तो इतना आसान नहीं होता दोस्तों, क्या बताएं। यहाँ पर मेरा वीडियो भगवान की कृपा से बनाया जा रहा था, जो कि मुझे प्रिया मिल गई थी। तो प्रिया से मैंने बोला बेटा मेरा वीडियो बना दो, तो कभी कभी मिल जाता है कोई। मैं समय पाजी।
सुबह तो मैं सज धज के भगवान के पास आई थी और अभी भी तैयार तो थी पर नहीं थी, क्योंकि मैं दिन में पेन इन सब वो करके लेट गई थी। तो मैंने अभी ना कंघी की थी ना अच्छे से थाड़ी एक सी करी थी। तो एक जन ने तो मुझे टोक दिया था कि आप सीधे ऐसे ही आ गए कि, हमने कहा नहीं, हम तो आज सुबह से ही साड़ी पहने हैं। आज सुबह से तैयार होके भगवान जी के दर्शन कर गए थे, अभी जल्दी जल्दी में दिए बनाकर बस भागते आए हैं। तो हमेशा एक सा नहीं होता, तो जिनने हमको देखा वो सोची ऐसे ही आ गई हैं। क्यों तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें छोड़ के चले गए? हाँ गाओ। बजा के दिखाओ कैसे बजाती है। अरे जोर का पकड़ रहती बच्चों की है। देखिए क्या हाल हो रहा है हमारे। 8:10 पर गई थी मैं मंदिर, फिर वहाँ पर होने लगी आरती। आरती के बाद हुई भजन, होने लगे तो लेट हो गए। अंत में पतिदेव का फोन आने के पहले ही हम उठ के आ ही रहे थे, तभी उनका कॉल भी आ गया। भूख लगी थी उनको, तो हमने ये शक्करकंद का हलवा, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले लेंगे शुद्ध घी, शुद्ध घी मेल्ट हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे ये शक्करकंद या शक्ला। तो दोस्तों ये धीमी आंच पर अब हम इनको डाल के भूनेंगे। देखिए थोड़ा सिक गया है, देखिए दिख रहा है ब्राउन ब्राउन हो गया है ये। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये शक्कर की जगह मैं डाल रही हूँ बूरा, और इसको अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा फैला हुआ है किचन पर, दिन भर से कुछ ना कुछ में लगे हैं दोस्तों, इसलिए प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। इसको तेज कर दूंगी जिससे कि ये जो शक्कर है, वैसे तो बूरा है तो जल्दी पिघला है और जल्दी अच्छे से सिक जाएगा। यहाँ पर मैंने भून ली है मूंगफली पीसी, वही कच्ची मूंगफली को जीरे और हरी मिर्ची में भून लिया है, कच्ची मूंगफली पीस के भून ली। यहाँ चढ़ा दी है कच्चे आलू जीरे और हरी मिर्ची से, और फिर इन दोनों को मिला के दही के साथ खाएंगे, इस शक्ले का हलवे का भोग लगाएंगे भोलेनाथ को। ये हो गया तैयार आलू और मूंगफली का बहुत ही बढ़िया फलाहार, और ये शक्करकंद का हलवा। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें, ये दोनों चीजें बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं।
ओम नमः शिवाय। 8 मार्च की आज रात है, काफी सारे सेना के लोग यहाँ आए, रात के बज रहे हैं 1:25। बाकी है अकेलेपन की। तो देखिए दोस्तों, रात की 1:25 AM हो गया है, तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो 9 मार्च लग गया है, पर हम सनातन वाले हैं, हम हिंदू हैं, भारत के वासी हैं, तो हमारे लिए तो ये मध्य रात्रि है, जो कि 8 मार्च की ही है और शिवरात्रि की रात है। तो आज शिव की रात्रि यानी शिवरात्रि है। शिव पार्वती जी का विवाह तो हुआ ही था, साथ में आज की रात्रि जागरण का बहुत महत्व है, साधना का भी। तो मैं हर साल कोशिश करती हूँ जागने की, और 1 बजे तक रोज़ जागना तो आदत सी पड़ गई है। तो हर साल कोयम्बटूर से लाइव शाम के 6 से सुबह 6 तक आता है, जो मैं थोड़ा बहुत ज़रूर देखती हूँ। मुझे महसूस होती तो है, पर मैं पानी में रहना पसंद करती हूँ। तो अभी मैं पूरे 2 बाल्टी कपड़े धोकर आई हूँ। तो आज शिवरात्रि का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये शिवरात्रि का ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सब खूब 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 उन्नति करें। नमः शिवाय।